trip, but I got a low. As they go, I see myself in the pistol smoke. Boom, I'm the kind of need a little homie's gonna be like on my knees in the night, saying prayers in the street. आज का शायरी जिंदगी के ऊपर है। ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता। ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता। कौन सा मंजिल पे आगे बढ़ू, कुछ भी समझ में नहीं आता। ए जिंदगी तूने मंजिल तो दिखा दी, मंजिल का रास्ता नहीं दिखाया। ए जिंदगी तूने मंजिल तो दिखा दी, मंजिल का रास्ता नहीं दिखाया। और मंजिल का रास्ता ढूंढते ढूंढते अपनों से बिछड़ा हुआ तूने दिखाया। ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, फिर से आ चुके और एक नया धमाकेदार लोचन वाला गेम प्ले के साथ। गाइस आज के लिए न्यू इवेंट, ऊपर से बर्फीला गांव में इतना सारा बंदा आ जाता है, मुझे पता ही नहीं था यार। ऊपर से ये वाला मैच जो गाइस 44 किल करने वाले, तो जल्दी से स्टार्ट करते हो। सामने बंदा तो पकड़ते गाइस। अब इन दोनों का तो नसीब बहुत ही ज्यादा फूटा होता है यार। अब जल्दी से लूट करते क्योंकि गाइस इधर बहुत सारा बंदा है। तो चलो गाइस आगे चलते हैं। अब सामने एक बंदा लूट कर रहा है तो उसको पकड़ते हैं। चाचा थोड़ा सा तो देख के लूट किया करो यार, ऐसे ओपन में लूटोगे तो ओपन में भाई पेड़ी भी बन जाएगा यार। अब देखो नीचे से एक बंदा आ रहा था, तो चलो गाइस उसको ही पकड़ते हैं। चलो घुटने पे आ जा, ऐसे थोड़ी ना होता है। अब देखो गाइस इधर पूरा क्लियर हो जाते हैं, लेकिन रुको जरा सबर करो क्योंकि सामने के साइड पे फाइट हो रहा है। तो चलो गाइस उसको ही पकड़ते हैं। अच्छे तो भैया किसी को मार के उसका पेट लूटने के लिए जा रहा था यार, लेकिन उसे नहीं पता भाई बर्फ का मजा लेने के लिए है, तो बर्फ का मजा लो ना यार। पेट लूटना स्कैंडर का काम है, तो स्कैंडर कर लेगा यार। अब जब इधर ही आते तो एक वाला घर में मुझे साउंड आता है जी, ऊपर एक बंदा कैम कर रहा है। तो चलो गाइस उसको ही पकड़ते हैं। ये चच्चा गाइस बहुत ज्यादा डर गया था, तो इसके बारे में कुछ नहीं बोलने का यार। अब देखो फिर से भैया ये पता नहीं इसका नाम क्या दे, अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब सामने जाते तो ऊपर बंदा मतलब सामने बंदा, तो पकड़ते इसको। लेकिन गाइस ये वाला किल चोरी हो जाता है। अब दूसरे वाला बंदे को तो अच्छा खासा डैमेज देते, लेकिन उसी टाइम पे राइट साइड में और एक बंदा होता है, तो चलो गाइस उसको पकड़ते हैं। अब इसको नॉक किया। लेकिन चचा घर वाला बंदा तो पहले ही भाग गया यार, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, रुको जरा सबर करो भैया, उसका पेटी तो अपुन ही बनाने वाले। तो सबसे पहले इन दोनों का पेटी बनाते हैं। शायद बेचारी लड़की होगी यार, क्योंकि सहजा नाम तो मे भी लड़की का ही होना चाहिए ना यार, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखो इधर तो पूरा क्लियर हो जाते, लेकिन गाइस जो बंदा भाग गया तो भाई संटा को बुला लेता है भाई, मतलब मेरे बारे में कंप्लेन करने के लिए बुलाता है क्या। देन भाई पाँव में बर्फ लगा के भाई हम चला जाते हैं बदला लेने के लिए, मतलब भाई भागने नहीं देंगे। तो सबसे पहले जहाँ पे ड्रॉप आता है उधर एक मौली कर देते, देन आगे जाते पता चलता है ओ भाई साहब बंदा तो इधर ही कैंप कर रहा है गेट के सामने। अब बंदा पक्का इधर ही छुपा हुआ है, इसके वजह से भाई एक मौली कर देते उधर। आप देखो भैया क्या होता है, चचा गया मौली में चल के, तो इसका पेटी हम आराम से बना देते। तो गाइस देखो अभी 8 किल हो गया, तो मुझे लगा था चलो यार इधर शायद कोई बंदा नहीं होगा। देन आगे जाते देखो गाइस सामने भैया अभी मेरा पेटी बन जाता, अगर हम वॉल क्रॉस कर लेते ना पक्का वाला गाइस मेरा पेटी बनना तय था भाई। अब कोई बात नहीं इन दोनों का पेटी बनाते हैं। एक नॉक और एक बंदा, आइए दोनों का तो कद्दू छीन दिया चाचा, दोनों का
कद्दू छील दिया बहुत ही ज्यादा आराम से भैया, ऐसे थोड़ी ना होता है। अब देखो इधर थोड़ा बहुत लूट करते, लूट करके हम बोले चलो यार थोड़ा बॉट भी मारना चाहिए ना यार, तो बॉट मारने के लिए बॉट मार दिया। दिन आगे जाते तो और एक बंदा दिखता जो भाग रहा था। चाचा कहां चला गया वो देख। अब इसका नाम के हिसाब से एकदम सही नाम है यार, क्योंकि भैया चेहरे का हिसाब से मैक्स ब्लैक एकदम सही लगता है। देन भैया हम धनु को लेके आगे ही जा रहे थे, देन पीछे एक बंदा होता है, तो चलो गाइस। अबे अहमद भैया इधर क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी हो यार किल मिल गया, 14 किल हो गया। लेकिन गाइस रुको जरा, सामने जाएंगे भाई धनु को लेके। लेकिन गाइस एक बॉट के चक्कर में दो बंदा भी मिल जाता है, देखो गाइस कैसे। अभी बॉट को फिनिश करते तो मुझे सामने साउंड आ जाती है कि सामने दो बंदा आपस में फाइट कर रहे हैं। तो चलो गाइस जल्दी से उन दोनों को पकड़ते हैं। चल धनु, ओ देखो सामने बंदा, एक गया, दूसरा चचा कभी इजीली पेटी बना देते भैया, ऐसे थोड़ी ना होता है। अब चलो गाइस जल्दी से उसको फिनिश करते हैं। लेकिन उससे पहले भैया ये जनरेटर वाला गन को भाई थोड़ा रीलोड भी करना पड़ेगा। आप देखो इधर पूरा क्लियर हो जाता है, लेकिन भाई धनु को लेके हम स्कूल अपार्टमेंट जा ही रहे थे, लेकिन पूरा एक स्क्वाड का गाड़ी गाइस मेरे पीछे पड़ जाता। नहीं यार हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, लेकिन इन लोगों को जो मारेंगे मजा ही आ जाएगा वीरू। अब देखो एक नॉक, दूसरा भी गया, लेकिन तीसरा भी बहुत ज्यादा डैमेज है, तो पक्का रिवाइव दे रहा है। लेकिन भैया उसका नसीब बहुत ही फूटा होता है। अब लास्ट बंदा ड्रॉप के पीछे छुपा हुआ है। आइए भाई कद्दू कटेगा बराबर नहीं बटेगा, ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं। अब लूटने के लिए हम इधर जाते, मुझे लगा गाइस कोई नहीं है, लेकिन गाइस रुको जरा, गाइस सामने एक बंदा देखो यार मेरा एचपी कितना कम कर दिए, ऊपर से बंदा देखने का नाम ही नहीं ले रहा यार। लेकिन कोई बात नहीं यार, उसको भी मारने वाले, क्योंकि मेरे पास क्या है भैया, एमजी द गॉड गन। चलो गाइस अब हील कर लिए, अब पुश करना पड़ेगा उससे पहले। अब थोड़ा सा माहौल तो बनाना पड़ेगा ना यार रस करने से पहले, तो चलो गाइस हम रस कर देते। अब सामने बंदा तो पेड़ का कवर लेकर हम रुक जाते हैं। अब बंदा पत्थर पे ही है, बंदा भी भैया ग्रेनेड के लिए भाई थोड़ा दूर फेंक दिया, कोई बात नहीं। अब बंदे को थोड़ा तो डैमेज देना पड़ेगा, दिन रस करेंगे। सामने हेड दिख रहे हैं। अब देखो गाइस एमजी का पटका पड़ा और भी हेड। अब तो भैया रस करना बनता है ना यार, तो हम रस कर देते हैं। आइए कलुआ भैया का तो कद्दू निकाल देते सामने बहुत चचा। अब ये दोनों क्या था मुझे नहीं पता यार, लेकिन मेरा एक केल चोरी हो जाता इतना मुझे पता। इसके वजह मुझे बहुत गुस्सा आता है यार, क्योंकि स्कूल अपार्टमेंट से मेरा केल चोरी हो रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते। अब इसको फिनिश किया, दूसरा वाला बंदा देख ही नहीं रहा है भाई कहीं पे। कोई बात नहीं यार, अब भाई दिल पे पत्थर रख के आगे जाना पड़ेगा ना यार, तो थोड़ा बहुत लूट करते और आगे चलते हैं। अब धनु में बैठ के धनु को बोलते हैं, चल धनु तेरा इज्जत का सवाल नहीं है, मेरा इज्जत का सवाल है। 44 किल बोला तो 44 किल करना पड़ेगा ना यार। अब एक बंदा रिकॉल कर रहे सामने, अब इससे जगह तो पेटी बना देते। लेकिन भैया मेरे धनु के ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है यार, लेकिन उसका नाम होता है सीटी। अब इसका सीटी बजाना पड़ेगा, लो भैया इसका सीटी बजा दिया। अब इधर से निकल के गाइस फिर से आगे जाने पड़ेगा, फिर से भैया धनु पे बैठना है। भाई धनु इज लव ब्रो, इज लव। अब देखो गाइस क्या होता है, अब हम आगे ही जा रहे थे, सामने फाइट हो रहा था हिल पे, तो हम आगे जाते तो मुझे पता चलता लेफ्ट साइड में कोई ऊपर एक बंदा होता है, तो हम रुक जाते। देन आगे देखने के लिए ऊपर जाते हैं, अब बंदा पेड़ के पीछे होता है।
अब इसको फिनिश किया, अब देखो गाइस ये वाला शॉट देखो, मतलब मुझे अच्छे से दिख भी नहीं रहा है कि सामने एक बंदा होता है भाई। अब इसको नॉक करते हैं, अब इसको नॉक करके तुरंत भैया पुश करना बनता है ना यार, क्योंकि गाइस देखो 44 किल करना है, पुश नहीं करेंगे ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं। तो हम आगे जाते उसी टाइम पे और एक गाड़ी भी आ जाता है। अब सबसे पहले गाड़ी वाले को मारना पड़ेगा, अब देखो सामने रिवाइव चल रहा है क्या भैया? ऐसे थोड़ी ना होता है कि भाई पीछे करोगे तो भैया मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम उधर रिवाइव दे रहे थे। अब फिर से आगे ही जा रहे थे धनु को लेके, लेकिन भैया फ्री का किल मिल जाता है यार, क्यों किसी का भैया नॉक पड़ा हुआ है सामने। अबे फ्री का किल लेके गाइस हम स्कूल के तरफ जा ही रहे थे, उसी टाइम पे भैया धनु का एक सामने आ जाता है। तो हम बोले रुको जरा धनु, रुक जाओ, अब सामने धनु का सवारी को मारना पड़ेगा। चलो लो भैया, ये तो इजी पीजी नट्टू पीजी वाला बात हो गया यार, अब इसको भी इजीली बहुत इजीली गिरा देते। जिन गाइस देखो अब जा रहे थे आगे की साइड पे, सामने रेड हाउस में बंदा होता है जो सामने है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है गाइस ये कौन सा स्किल था यार, ऐसे जंप करने से क्या भाई हेड ज्यादा पड़ता है क्या? मुझे नहीं पता। अब फिर से हम आगे ही जा रहे थे, लेकिन गाइस ये वाला घर में दो बंदा होता है जो भाई बाल बाल बजाते। अब देखो सामने बंदा, अब नीचे, भाई सब क्या ही बचे यार, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि नीचे भी बंदा है यार। अब जल्दी से मुझे हील करना पड़ेगा, अब आगे जाना है। उससे पहले देखो गाइस 33 किल हो चुका है, अब जल्दी से आगे जाते जिस सामने और एक बंदा। नहीं यार इतना ओपन में भैया मेरा आदरणीय बॉट चचा ही हो सकता है, इतना ओपन में भैया बंदा नहीं हो सकता है। अब देखो भाई जो भी हो इसको मार दिए, मार के आगे जा रहे थे। अब भैया एक पूरा स्क्वाड मिल जाते हैं भैया, अब किसका स्क्वाड तुम लोग ही देखो। एक गया, अब इन लोगों को मार रहे थे गाइस, पीछे से तुरंत पड़ने लगता है, पीछे एक बंदा भी है जो घर में है, ऊपर से गिली सूट। ऐसे टुकुर टुकुर मत देखो यार, मुझे शर्म आता है भाई, कोई अगर टुकुर टुकुर देखता तो मुझे शर्म आता है ना यार। अब देखो सब कुछ मार दिया, 41 किल हो चुका है, अब भैया तीन बंदे को मारना है। तो चलो गाइस जल्दी से पकड़ते बंदे को। लेकिन भैया उससे पहले रुको जरा, ओ भाई सामने कौन है भैया फिर से टुकुर टुकुर? अच्छा ये पता नहीं यार क्या है क्या नहीं है, कुछ भी हो भाई मुझे क्या है भैया। अब आगे जाते हैं तो गाइस आगे एक बंदा ड्रॉप लूटने के लिए आगे जा रहा था, चलो गाइस उसको ही पकड़ते हैं। बंदा ओपन में, लो ये चच्चा भी ठिल गया। अब देखो गाइस 43 किल हो चुका है, लेकिन आखिरी बंदा होता है, मुझे लगा यार चलो यार इसके साथ ट्रोल किया जाए, क्योंकि भैया देखो इजी तो चिकन डिनर ये तो पक्का है। तो भैया हम ट्रोल करने के लिए थोड़ा बहुत उसको ढूंढ रहे थे, लेकिन बंदा मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था यार। देखो गाइस कितना इसको ढूंढते लेकिन मिल ही नहीं रहा था, और मिला तो मिला भैया, ट्रोल करना बनता है ना यार। तो चलो गाइस बंदे को ढूंढते हैं, अब सामने जाके पता चलता है भैया ये तो बॉट चचा है। तो भाई हम बोले कुछ भी हो यार ट्रोल करना बनता है तो ट्रोल करते हैं। लो भैया कितना गुस्सा हो गया यार, इतना काहे गुस्सा हो गया भाई। लो भाई सच्ची में बोल रहे हैं, हम इसको मारना नहीं चाहते थे यार, मतलब क्या बोले यार, मर गया। अब चलो गाइस 44 किल के साथ ये वाला गेम प्ले इधर ही खत्म हो जाते हैं। आई होप आप लोग आज का गेम प्ले अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हो सके तो फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं और एक नया धमाकेदार लोचन वाला गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू।